शरीर पे वह अधिकार जता रहा है, मनुष्य जो अधिकार जताता है शरीर पर, वह शरीर भी उसका नहीं है। जन्म से मृत्यु तक देखा जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वह शरीर उसके माँ बाप का होता है, उसके माँ बाप उसके शरीर पर अधिकार जमाते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। जब वह बड़ा होता है और उसको स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में जाता है तो उसका भी वहां पे शरीर नहीं, उसका नहीं होता, वह उसके शिक्षक का होता है, उसके टीचर का होता है। अगर उसको उसका टीचर बोल देता है कि मुर्गा बनो तो उसको मुर्गा बनना पड़ता है वहां पे। अगर उसका टीचर बोलेगा तुम्हें ये सब्जेक्ट याद करना है तो याद करना पड़ता है, और अगर उसका टीचर उसको छड़ी से पिटाई करता है तो पिटाई खाना पड़ता है। वहां पे भी नहीं बोल सकता कि ये मेरा शरीर है भाई, क्यों मुझे मार रहे हो, मेरी मर्जी जो मैं करूंगा, नहीं। वहां पे वह शरीर जो है उसके टीचर का है, उसके शिक्षक का है, जो भी पांच चार पांच घंटे जो भी है वहां पे वह शरीर उसके शिक्षक का है। फिर जब वह बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, तो भी उसका शरीर उसका नहीं होता, फिर वो पत्नी उसकी बोलती है मेरा पति है, फिर यह जो शरीर है उसके पत्नी का हो जाता है, लेकिन वह फिर भी समझता रहता है कि यह मेरा शरीर है। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता, और सभी मांग करते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लाके दो, मुझे वो लाके दो, सब परेशान कर देते हैं। और उनके लिए फिर वहां पे देखा जाए तो वह वहां पे भी उसका वह शरीर नहीं है, उसके बच्चों का हो गया, क्योंकि वह उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में जाता है और किसी बड़े आदमी कंपनी के मालिक के पास जाता है, अपना सर्टिफिकेट दिखाता है, फिर मुझे कुछ बोलता है कि मुझे नौकरी दीजिए। फिर वह उसको देखता है सर्टिफिकेट, फिर हाँ बोलता है ठीक है आप कल से काम पे आ जाओ, फिर काम पे रख लेता है। और वहां पे भी देखा जाए तो वह उसका शरीर नहीं है, वह मालिक जैसे चाहे उसको काम कराने के लिए चाहता है वैसे काम कराता है, बोले 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी तुमको काम करना है, तुम यहां से जा नहीं सकते, तुमको 1 घंटा लंच ब्रेक मिलेगा, लंच करके आओ, फिर यहां पे खड़े रहो, यहां से एक भी प्रोडक्ट गायब नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहीं पे रहना है। यहां पे वह शरीर जो है उसके मालिक का हो जाता है। घर पे आता है तो पत्नी का, बच्चों का, बाहर जाता है तो उसकी उसके मालिक का। फिर भी अहंकार के वश में सोचता है कि यह मेरा शरीर है। फिर कभी बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो वहां पे भी असहाय रहता है, कुछ कर नहीं सकता मनुष्य। फिर डॉक्टर बड़े बड़े इंजेक्शन लेके आते हैं, कोई चाकू कोई छुरी ऑपरेशन करने के लिए, बोल नहीं सकता अरे भाई मेरा शरीर है, क्यों चीर रहे हो, क्यों फाड़, क्यों सुई चुभो रहे हो, मेरा शरीर है, क्यों नहीं, कुछ नहीं बोल सकता। वहां पे वह शरीर जो है वो डॉक्टर लोगों के हाथ में होता है, चिकित्सक जो है चिकित्सक लोगों के हाथ में होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं शरीर के साथ। तो वह शरीर जो चिकित्सक लोगों का हाथों में होता है, फिर जब उसका लास्ट समय आता है, लास्ट समय आता है जब वृद्ध हो जाता है, तो शुरू में तो सभी लोग कहते कि ये मेरे पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर, मेरा शरीर है। जब बूढ़ा हो जाता तो कोई नहीं कहता कि ये मेरा शरीर है, बच्चे भी सब बोलते नहीं नहीं, वो बच्चा बोलता है तुम रखो, अपने बड़े वाले भाई को बोलता है अरे तुम खिलाओ, वो बोलता है नहीं तुम खिलाओ, तुम्हारा भी तो पिता है, वो बोलता है नहीं तुम खिलाओ, वो बेचारा फिर कोई नहीं लेता उसको, बोलता है नहीं हमारा शरीर नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए। कोई नहीं उसको अपनाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है तो कोई नहीं अपनाता वो उसी शरीर से। देखिए उसने जिंदगी भर मेहनत किया, पत्नी को खिलाया, बच्चों को खिलाया, पढ़ाया लिखाया, और सबने कहा कि मेरे पिता है, मेरे पति है, मेरे पुत्र है, सभी के लिए उसने मेहनत किया, नौकरी किया उसने, नौकर बन के काम किया उसने, फिर भी जब बुढ़ापा आता है तो कोई नहीं बोलता कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। बच्चे बोलते नहीं कि मेरा पिता है, चार बच्चे होते तो एक बच्चा बोलेगा, चारों अलग अलग हो जाते हैं तो एक बोलता अरे तुम पिता को रखो, बोलता है नहीं तुम पिता को रखो, नहीं तुम पिता को रखो, ऐसा करते कोई नहीं रखता है, फिर वो मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद भी शरीर छूट, शरीर जो उसका नहीं होता, मरने के बाद उसका ही नहीं, फिर किसका होता है? फिर कुत्ते बोलते हैं, सियार बोलते हैं, गिद्ध बोलते हैं, जो ऊपर मंडराते रहते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरा भोजन है, मेरा आहार है, मेरा भोजन है, ये मेरा आहार है, इसको मैं खाऊंगा,
अगर गिद्ध भी नहीं खा पाते हैं, सियार भी नहीं खा पाते हैं, कोई नहीं खा पाता, अगर दफना दिया जाता है शरीर को, फेंक भी दिया जाता है तो सड़ जाता है। तो कीड़े बोलते हैं कि ये मेरा आहार है, ये मेरा शरीर है। तो जन्म से मृत्यु तक अहंकार के बस मनुष्य सोचता रहता है, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, ये मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरा मेरी जमीन है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन अगर इन बातों को ध्यान से देखें, शास्त्र को ध्यान से पढ़े, तो उसका शरीर है ही नहीं।